मेरी 11 के बस चलो जी पहुंच गया हूँ अपनी सीट के ऊपर और बिल्कुल सेटल डाउन हो गया हूँ इधर पे। थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कैसा क्या हिसाब में। बिजनेस वालों का जो है वो दूसरा इधर की साइड में। हाँ जी गुड मॉर्निंग। डेट हो गई आज नवंबर 6 और फाइनली भाई वो टाइम आ गया जब फ़्लाइट पकड़ के और वापस कनाडा चला जाए। तो जैसा मैंने बताया था मेरे को ऑफिस का काम है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, तो बीच में एक बार जो ट्रिप है उसको रोक के और वापस जाना पड़ेगा। सुबह के बज गए हैं भाई 10 और अपना ताम झाम जो है वो पैक करके, छोटे छोटे 2 बैग है जो मैं लेके घूम रहा था वही लेके यहाँ पे जाने, तो लेके ना रेडी हो गया हूँ बिल्कुल। कार लगा दी है भाई शेड के नीचे, 2 महीने अब यहीं पे रहेगी, 1-2 महीने जितना भी टाइम मुझे लगता है वहाँ पे, उसके बाद आके और अपनी जो ट्रिप है उसको कंटिन्यू करते हैं आगे ऑस्ट्रेलिया साइड में। तो चलो अपना बैग उठाते हैं और गोली की रफ्तार से निकलते हैं आगे बिना लेट किए। आज का दिन थोड़ा और भी ज़्यादा एक्साइटिंग है क्योंकि कल है मेरा बर्थडे और उस टाइम पे मैं आऊँगा फ़्लाइट में। तो जैसा मैंने बताया था अब की बार फ़्लाइट में ही इसको सेलिब्रेट करते हैं, नॉर्मली वैसे घर वालों के साथ ही सेलिब्रेट किया जाता है, बट अब की बार थोड़ा सा अर्जेंसी है, जाना ही पड़ेगा, कोई इसमें एक्सक्यूज चलेगा नहीं बिल्कुल भी। तो चलो निकलते हैं भाई अपना लेके ताम झाम। चलो जी निकलने का समय, माता को बाय बाय, ज़्यादा बाय बाय कर दी उन्होंने भी लग जाएंगे, खैर अब की बार तो नहीं रो रहे क्योंकि पता है कि जल्दी आ जाऊँगा वापस। चलो भैया अब जल्दी से चल के ना और रेडी होते हैं और एयरपोर्ट साइड में बढ़ते हैं, बाकी होटल दिखा देता हूँ। ऐसा आ रहा व्यू, हॉलीडे इन में रुक गया था भाई, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी तो मैं कहा चलो सो ही लेता हूँ थोड़ा बहुत, तो सो के एकदम फ्रेश अभी लिफ्ट का बटन दबाते हैं और गोली की रफ्तार से चलते हैं अपने रूम की साइड में। आ गई लिफ्ट आ गई, छोड़ ना जाए मुझे, चाबी तो मेरे पास है नहीं है। 5वें फ्लोर पे हैं भाई अभी हम। ओटिस का नाम देख के मुझे लगता है पूरी दुनिया में इन्होंने पूरा कब्जा ही जमाया हुआ है लिफ्टों में, तो जहाँ भी चले जाओ US कनाडा हर जगह ओटिस जो है वो तो आपको देख ही जाता है कहीं ना कहीं। चलो जी आ गए हैं 5th फ्लोर पे, रूम नंबर क्या था मेरा 519, इधर की साइड है, इधर से राइट पहुँच गए हैं भाई रूम पे। चलो अब जल्दी से होता हूँ तैयार बिना लेट किए। हाँ जी तो हो गए हैं एकदम नहा धो के रेडी और चलो अभी चलते हैं एयरपोर्ट की साइड में, रूम का जो टूर है वो ले लो जल्दी से, हालांकि सारा ही ख़राब हुआ पड़ा है, क्या ही टूर लोगे, हॉलीडे ही नहीं है आपको पता, इधर ही घूमता रहता हूँ मैं। चलो अपना सामान उठाते और निकलते हैं यहाँ से, अब बढ़ते हैं इधर पे आगे अपना लिफ्ट की साइड में। 8 मिनट में ऊबर आ रही है भाई, तो चलो चलते हैं नीचे लॉबी साइड में, 5th पे ही खड़ी है लिफ्ट। चलो ऊबर का इंतज़ार हो रहा है भाई, मैं तो बिल्कुल ही रेडी खड़ा हूँ, ऊबर थोड़ा सा स्लो चल रही है, बाकी ऐसा है मौसम बाहर का, आज तो पोल्यूशन की इतनी भी बुरी स्थिति है नहीं जितनी पिछले 2-3 दिन से थी। तो एरो सिटी वैसे बना है, एक नंबर रखा है, कहीं भी चले जाओ एयरपोर्ट वाला एरिया तो बढ़िया ही बना ही रहता है इन्होंने। चलो 2 मिनट दूर है ऊबर, चलो जी ऊबर आ गई अपनी ह्यूंडई एक्सेंट, रख के ना सामान बहुत ज़्यादा है भी नहीं सामान वैसा, एक ये बैग है एक अपना जो छोटा सा रहता वो, और निकलते हैं अब आगे। कितना बढ़िया मौसम हो रहा है ना, रात के बज रहे हैं 11 के आसपास और ठीक ठाक ही है मौसम वैसे देखा जाए तो। ऐसा आ रहा है भाई जो व्यू अपने एरो सिटी का, क्या बढ़िया बढ़िया वो बना रखे, वर्ल्ड मार्क वाले मेरा आने का पूरा पूरा प्लान था, अब की बार जब मौका मिलेगा तब आता हूँ। बाकी पोल्यूशन तो आज भी है भाई, ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन नहीं है। कहाँ जाओगे सर अब? कनाडा जी। हाँ जी चलो निकल लिया भाई ऊबर में बैठ के अपने टर्मिनल 3 की साइड, बस 5-7 मिनट की है यहाँ से, बाकी एरो सिटी का व्यू देख लो बाहर का। टोटल 10 मिनट की ड्राइव थी भाई और पहुंच भी गए अब तो मैं अपना जो एयरपोर्ट है उस पर। चलो जल्दी से अपना बोर्डिंग पास लेते हैं उसके बाद निकलेंगे अपने घर की साइड में। भीड़ देख रहे हो भाई अपने यहाँ पे, कम से कम 5-10 मिनट का वेट टाइम है अपने यहाँ। चलो पासपोर्ट लिए निकाल, वेट कर रहे हैं लाइन में, इतनी सारी इनके बीच में मेरी वाली ढूंढना वैसे ही थोड़ा सा मुश्किल है। इस तरफ फिनेयर कैथे का तो लोगो कैसा होता है मुझे तो वो भी नहीं पता, ये रही CX, ये है 130J, चेक इन ओपन J पे चलना भाई। अच्छा वो रहा बिल्कुल ही सामने है भाई, इसी पे चलना है,
चलो चेक इन करके आते हैं, पहले बैग से छुटकारा पाएँ, उसके बाद जाके जो इनका बिजनेस लॉन्ज है उसमें बैठते हैं। पहुँच गए अपनी जो लाइन है जहाँ पे बैगेज ड्रॉप का है, वहाँ पे छोटा सा ये एक बैग है बस, ये ड्रॉप करना और अपने जो बोर्डिंग पास है वो लेना। सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा भीड़ लग नहीं रही, सो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। दोस्तों पहुँच गए अपना जो इंटरनेशनल डिपार्चर्स है उस पर। सो इंडिया की जो हॉस्पिटैलिटी है उसका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टाइम रहा यहाँ पे। अब समय आ गया वापस जाने का, जल्दी दोबारा मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ से अपना पासपोर्ट कंट्रोल चलते हैं लगवा के ना अपनी एग्जिट वाली स्टैम्प, और उसके बाद में बढ़ते हैं अपना जो आगे सिक्योरिटी चेक है उसकी साइड में। चलो जी, एक चीज़ जिससे मैं सबसे ज़्यादा परेशान हो रहा है वो है यहाँ पे परफ्यूम नहीं मिल रहा मुझे इतने टाइम से, और इधर उधर से ले लिए वो 5 मिनट स्मेल रहती है फिर नहीं रहती। फाइनली ड्यूटी फ्री में पहुँच गए थे तो मगर क्यों ना सबसे पहला जो काम है वो परफ्यूम ही ले लिया जाए। दिस इज़ द वन आई यूज़ ऑल द टाइम, और मिल भी गए, और प्राइस भी देखा जाए तो काफ़ी सही है यहाँ पे 13,000। बाकी अब देखते हैं इस पर और भी कोई डील वगैरह कुछ ऐसा कुछ है तो। चलो फाइनली गॉट द वन जो मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ, यहाँ से ये पड़ा भाई 13,140 रुपये का, नॉट बैड। चलो अब निकलते हैं आगे अपने जो गेट है उनकी तरफ, 12 नंबर गेट से मेरी जो है फ्लाइट। तो ऐसा होता है भाई ये लॉन्च, एंड द फनी थिंग इज मैं इधर से ही निकल रहा था, मुझे लगा शायद जा भी ना पाऊँ मैं लॉन्च, और तभी मुझे सामने दिख गया ये। तो चलो इसी बार एक गेड़ा निकलवा देता हूँ छोटा सा, फिर चलता हूँ आगे। अभी तो फ्लाइट में काफ़ी टाइम है, बोर्डिंग 1:10 पे होनी है, अभी तो बहुत टाइम है, बाकी मानना पड़ेगा भाई। यहाँ से कई दिनों बाद अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, सच में भूल जाते हैं आप, मैं बता रहा हूँ कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है, ऑल दैट वो बिल्कुल स्किप हो जाता है। चलो जी अभी तो 12 ही बजे हैं तो लॉन्च चल ही पड़ते हैं। पीछे एक लॉल हो गया मेरे साथ, मैं देख के ना इसको लॉन्च की साइड में चला गया, बाद में पता चला वो दूसरा था बिजनेस वालों का जो है वो दूसरा इधर की साइड में। चलो उधर ले कर चलता हूँ। तो ये वाला है भाई अपना इधर की साइड में जाके, और 3rd फ्लोर के ऊपर बताया। वैसे तो मैं लेट हो रहा था भाई, बट चलो मैं आपको दिखाने आ ही गया मैं इधर पे, तो एक बार लॉन्च दिखा देता हूँ, वाइब बता देता हूँ यहाँ की कैसी है। ऐसा आ रहा है भाई जो व्यू है वो, लेफ्ट साइड में पूरा पूरा एकदम फुल बफे है, बीच में सेंटर में अपना बार है। मैं अपनी एक ड्रिंक ले आया, थोड़ी सी वीडियोज अपलोड मैं कर रहा था, उसके बाद में फिर देख रहे हो मैं सर्च है, उसमें भी मेरे डिपार्चर एंगल डिफेंडर, आजकल तो मैं इसी को रिसर्च कर रहा हूँ पूरा पूरा। तो थोड़ा सा अपना पनीर है वो खा रहा हूँ, उसके बाद मैं निकलता हूँ अपना जो गेट है उसकी साइड में। बाकी ओवरऑल बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो बर्थडे विशेज हैं उसके लिए, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का। बाकी फ़्लाइट का रिव्यू मैं दे ही देता हूँ ऊपर जाके उधर पर। चलो भाई खाना वाना हो गया, एक दो वीडियो भी अपलोड कर दी, अब समय हो गया फ़्लाइट की साइड बढ़ने का। तो जो अपने ड्यूटी फ्री होते हैं इसमें इस तरह का बैग मिलता है आपको, और उस पर लिखा रहता है डू नॉट ओपन अनटिल फाइनल डेस्टिनेशन, प्रॉपर सील्ड होता है एकदम ही। बट ऐसा होता तो नहीं कुछ भी कि हाँ भैया कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत है। बाकी परफ्यूम में ले आया था, इसको यूज़ में कर ही लूँगा। चलो निकलते हैं अब आगे, बस एक लास्ट वीडियो अपलोड हो रही है मेरी, वो हो जाती है। देख रहे हो मेरे बालों की हालत क्या हो गई है, जमूरे जैसे बाल हो गए हैं मेरे, बट चलो कोई नहीं काम चल जाएगा। निकलने का समय हो गया, फ्लाइट का हो गया टाइम। ये वाली लिफ्ट है भाई जो नीचे जाती है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है भाई कि बोर्डिंग जो है वो थोड़ी डिले हो गई 10-15 मिनट। तो वो कह रहे थे इधर लॉन्च में बैठे रहो, मगर नाना अब तो चले ही जाते हैं, पहले बाल ठीक करके आता हूँ यार अपने जाके, बालों की हालत बिल्कुल ही ख़राब हो रखी है। 1 to 14 2 से 15 मिनट, सही कहा था उन्होंने कि 15 मिनट तो मान के ही चलो वहाँ पे पहुँचने का। चलो 12 नंबर ढूंढना है, लेट्स सी। ये काइंड ऑफ लाइफ सेवर हो जाता है मेरे जैसे इंसान के लिए जिसको चलना बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, तो मेरे जैसे के लिए थोड़ा लाइफ सेवर हो जाता है। धीरे धीरे खिसकते जा रहे हैं भैया आगे, बाकी ऐसा है बार का क्या ज़बरदस्त इन्फ्रा है, मानने वाली बात है। वैसे एयरपोर्ट्स बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इधर तो खाली पड़ा 1B तो अपना है 12। भाई जेन्युइन बता रहा हूँ, जिसने बताया ना बिल्कुल सही बताया कि 15 मिनट लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा दूर है इस लाइन में आगे। नॉर्मली मैं इतना कभी नहीं चला इसमें एयरपोर्ट में, खास करके पसीने आने लग गए ऑलरेडी, और अभी भी दिखा रहा है 9 मिनट दूर हो रहे हैं यहाँ से। अब की बार आया सही मज़ा, खूब सांस चढ़ गया। मेरे बैग में वजन है बहुत ज़्यादा, होगा कम से कम 12-15 किलो, बट चलो ठीक है अब जो है वो है। बहुत ज़्यादा मेहनत करके फाइनली पहुँच गए हैं भाई 12 ए है अपना। चलो चलते हैं, चल के बैठते हैं। चलो जी आ गया बोर्डिंग का इनविटेशन, लेट्स गो एंड गेट द सीट। 5 घंटे की फ़्लाइट है, बहुत ज़्यादा है नहीं ऐसा कुछ।
नॉट वेरी एक्साइटेड फॉर द फ्लाइट टू बी ऑनेस्ट. जैसा मैंने बताया कि फ़्लाई करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है नहीं. नॉट बिकॉज कि वैसे कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज कि एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा रहता नहीं है. एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं बस अपन बिना वेट किए. पर चलो ठीक है, निकलते हैं भाई. अभी ऐसा सा है व्यू, फ्लाइट मुझे अभी तक दिखी नहीं है मेरी भाई. कहाँ पे खड़ी है? पहुँच गए गेट के ऊपर. भीड़ नहीं है इसमें, पता नहीं क्यों. हाय, थैंक यू. चलो जी, पहली जो सीट है वही मेरी 11K. दिस इज माइन. यस यस, 11K. चलो ये रख लेते हैं, नीचे बैग रख देते हैं पहले अपना. दिस इज़ हाउ द सीट कॉन्फिग्रेशन इज़. मुझे लग रहा था अपना जो ब्रिटिश एयरवेज है उससे बेटर दिखेगा, जिस हिसाब से शुरू में सर्विस थी, बट उससे बढ़िया तो नहीं है मैं कहूँगा. उधर देखो निशान पड़े हुए हैं, उस पर कुछ गिरा हुआ है एंड ऑल दैट. बट वैसे सीट कॉन्फिग्रेशन बढ़िया, बीच में दो हो गई, साइड में एक एक हो गई, सो इट्स नॉट बैड एट ऑल. बाकी तो जूते अपने लेते हैं निकाल, और चप्पल हैं वो लेते हैं पहन. और चलो जूते तो टेक ऑफ के बाद ही निकालेंगे, अभी तो रहने देते हैं. बाकी बाहर का ऐसा आ रहा है व्यू भाई. चलो जी, पहुंच गया हूँ अपनी सीट के ऊपर और बिल्कुल सेटल डाउन हो गया हूँ इधर पे. थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कैसा क्या हिसाब में. ऐसा तो आ रहा है भाई केबिन का व्यू. दो सीट सेंटर में, एक एक दोनों साइड में, वो सिंपल जो लेआउट होता है अपना वही है. केबिन की बात करें, सीट की बात करें तो इधर पे हो गए अपने सारे कंट्रोल जो हैं वो. तो यहाँ पे हो गया रिमोट, यहाँ पे हो गया अपना सीट के कंट्रोल्स, रीडिंग लाइट हो गई, और उसके नीचे अपना डोमेस्टिक जो सॉकेट होता है वो हो गया. अगर उधर की बात करें, इधर से दिखाऊं तो ये अपना रखने का जगह हो गई थोड़ी बहुत. इसके नीचे स्टोरेज होगी, ये अपनी इधर से जो टेबल है वो बाहर आ जाएगी. दो खिड़कियाँ हो गई अपनी, और साथ में इधर पे हो गई जो LED अपनी है वो. सो इसमें मैं मूवीज़ का क्या कलेक्शन है क्या नहीं है वो थोड़ी देर में बताऊँगा. फिर मैं आपको बताता हूँ फूड में क्या क्या ऑप्शन है, मेन्यू में क्या है हमारे पास में. अभी के लिए वेलकम ड्रिंक जो है वो मिल गई, साथ में अपना जो हॉट टॉवल है वो मिल गया. बस थोड़ा मॉइस्चराइज़र ढूंढ रहा हूँ. तो इधर पे अपनी पानी की बोतल हो गई, साथ में अपना जो हेडफोन हो गया, और साथ में बाकी एमिनिटीज़ तो वो मैं निकाल ही लूँगा. उसमें मॉइस्चराइज़र होना ही होना चाहिए. लेट्स सी इसमें मॉइस्चराइज़र है तो. इसमें अगर बात करें भाई प्रोडक्ट की, लिप बाम हो गया अपना, और ये हो गया बॉडी लोशन, साथ में कोलगेट हो गई, और ये हो गया एक फेस मिस्ट. तो ये नया है, ये मैंने कभी यूज़ किया नहीं. तो अभी के लिए तो अपन को चाहिए जो अपनी बॉडी लोशन है वो लगा लेते हैं थोड़ा, और फिर आराम से बैठ के ना रिलैक्स करते हैं. फिनेयर में मैंने ट्रैवल किया पिछली बार, उसके एक्सपीरियंस मेरा अभी तक का सबसे बढ़िया रहा भाई. उसमें केबिन ऐसे गोल बन जाता है और बंद हो जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल प्राइवेट है. बाकी ऐसा आ रहा भाई केबिन का जो व्यू है वो. तो अभी मिला हमें जो हॉट टॉवल है वो, और बिल्कुल ही यूँ समझ लो कुछ ज़्यादा ही हॉट है. इतना हॉट टॉवल तो बिल्कुल माइक्रोवेव में सभी निकल के ही आया लग रहा है, तो हाथ जल जाएंगे इतना भूख मार मार के ठंडा करना पड़े. चलो अब आराम करते हैं अभी बैठ के ना. केबिन का व्यू दिखा देता हूँ ऐसा है अभी. और बिल्कुल ही फ्लाइट के सबसे आगे जो है उसमें मेरा ही नंबर है. सबसे पहली जो सीट है वो मेरी ही है पूरे फ्लाइट में आके. इससे आगे पायलट ही है फिर तो. पायलट ना दिख रहे इधर से ना, तो वो भी दिखा देता मैं आपको. चलो थोड़े हाथ वाथ साफ करके बैठते हैं अभी तो. अनाउंसमेंट होनी शुरू हो गई है भाई. Very nice smell. Lip balm और देख लेते हैं. परफेक्ट भाई, डन. अब मैं फुल रेडी. हल्का सा बाल और जरूर ठीक कर लूँगा अपने. ये लो जी, अपन फुल रेडी. अब आराम से रिलैक्स करते हैं बैठ के, खाना आने का वेट करते हैं, और बढ़िया से देखते हैं मूवी. चलो जी, निकल लिए फ्लाइट जो है वो. पुश बैक हो गया. जो रिमोट है उसमें खास चीज़ और दिखा देता हूँ. उसके पीछे ना पूरी की पूरी क्वालिटी कीपैड है, और गेम खेलने वाला भी है. तो जो भी गेम है इसमें अगर वो खेलना चाहें तो उसके लिए भी है पूरा का पूरा रिमोट. सो दिस इज़ गुड, इसके साथ बढ़िया टाइम पास होएगा. चलो जी, निकल लिए जो फ्लाइट है वो.
बाहर ये जो है ना शीशे के ऊपर नहीं है, बाहर वैसे धुआं है। मानना पड़ेगा भाई पॉल्यूशन के मामले में सारे रिकॉर्ड टूट रखे हैं यहाँ पे, तो ऐसा हो रखा है जैसे धुंध हो रखी है, जबकि है ये धुआं प्योर। खाली पड़ी है भाई, इसकी जो बिजनेस क्लास है वो कोई बड़ी मुश्किल से 5-7 पैसेंजर होंगे जो बिजनेस क्लास में, बाकी तो खाली पड़ी है पीछे। 5-7 तो नहीं, मतलब थोड़े ज़्यादा होंगे, बट काफ़ी सारी सीट्स खाली पड़ी हैं, विच इज़ वियर्ड। आई एम प्रीटी श्योर कि अपने हांगकॉन्ग से और कैनेडा वाली जो है अपने टोरंटो वाली, उसमें ज़रूर खाली नहीं मिलेंगे। ये वाले जो फ्लाइट्स हैं वो फुल भर के ही चलती हैं इन वाले रूट्स पर। आधा घंटा हो गया भैया हमें चलते हुए रनवे पे, फाइनली जाके ना जो एक्चुअल रनवे है उस पर आए हैं। हमारे से आगे 5 एयरप्लेन और दिख रहे हैं मुझे, जो कि टेक ऑफ का वेट कर रहे हैं। अपन ने तो लगा ली अपनी मूवी। अगला नंबर हमारा ही है भाई, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है भाई। चलो जी दिल्ली को बाय बाय, बढ़ते हैं अपने आगे डेस्टिनेशन की तरफ। भाई मैं तो बैठते ही ऐसा सोया, पता ही नहीं चला 4 घंटे कहाँ पे चले गए। 10 मिनट मूवी देखी होगी, खाया भी नहीं कुछ भी, और पढ़ते ही नींद आ गई। कल रात को मैं बहुत ज़्यादा सोया नहीं था, तो ये बढ़िया हो गया 4 घंटे कट गए। अगली जो फ्लाइट है वो थोड़ी लंबी है, 17 घंटे की है, तो उसमें थोड़ा सा ये रहता है कि हम बोर हो जाता है रास्ते में, बंदा नींद भी पूरी हो जाती है, मूवी भी पूरी हो जाती है एंड ऑल दैट। पर चलो ठीक है, अभी तो बस लैंड करने वाले, मुश्किल से 10 मिनट में बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। ऐसा व्यू आ रहा है भाई बाहर का। 4 घंटे की फ़्लाइट थी, 1:30 बजे चले थे और यहाँ पे अब पहुँचे तो 9 बजे हुए हैं। ऑब्वियस है हांगकॉन्ग का जो टाइम है वो आगे है अपने वहाँ से, सो बहुत ही बढ़िया, एक बेहतरीन वाली सुबह। 10 मिनट में लैंड हो रही है, उसके बाद 1 घंटे का कनेक्शन है, फिर बढ़ लेंगे आगे अपना टोरंटो साइड में। ऑनेस्टली लैंडिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, मतलब थोड़ी सी वो व्यू देखिए आप लोगों ने आसमान की ऊंचाई में देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त वाला टर्बुलेंस है। सेम वाली जो हालत है वो वहाँ पे यहाँ पे हो रही है, बहुत ज़बरदस्त वाला टर्बुलेंस है, बार बादल हो रखे हैं बहुत ज़ोर से। सो अब ये कह सकते हैं टेक ऑफ और लैंडिंग के मामले में सबसे ज़्यादा जो हार्श रही है आज तक की, वो इसको आप कह सकते हैं। की ट्रेल चल रही है भाई, ये लो जी पहुंच गए हांगकांग में। हालांकि भाई मुझे बिल्कुल जल्दी नहीं रहती प्लेन से उतरने की, बट आज तो सबसे आगे ही मैं बैठा हूँ, पहली सीट ही मेरी है, तो आज तो सबसे पहले मुझे ही उतरना पड़ेगा। चलो जी लेके अंगड़ाई और चलते हैं। 1 घंटे का कनेक्शन टाइम है पास में, 35 नंबर गेट से ढूंढते हैं। चलो चलो जी आप पहुंच गए अपने हांगकांग, और पहली बार ऐसा हुआ है कि फ़्लाइट से उतरने वालों में सबसे पहला इंसान जो है वो मैं ही हूँ। सुबह के बज गए भाई यहाँ पे 9 और अगली जो फ़्लाइट है वो है 10 बजे, तो बिना लेट किए और चलते हैं अपनी जो फ़्लाइट है वो ढूंढते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाकी ये है भाई प्लेन हमारा। मौसम देख रहे हो कैसा, जैसे बादल हो रखे हैं यहाँ पे, ख़तरनाक टाइप का सा मौसम हो रखा है। ट्रांसफर्स वाला एक ही रास्ता है, तो पता ही है किधर पे जाना है, शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम। हांगकांग एयरपोर्ट है तो भाई पहाड़ों के बीच में, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। 3 साइड से बिल्कुल ही पहाड़ों से घिरा हुआ है ये, तो पहाड़ों में एयरपोर्ट होता है अच्छी से थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। चलो जी सिक्योरिटी पार करके और पहुँच गए अपना गेट नंबर 35 है वहाँ पर। ऐसा आ रहा भाई जो व्यू है, ये लंबी वाली लाइन लगी हुई है, बट चलो अपन को प्रायोरिटी चेक इन का जो प्रिविलेज है वो है, तो इधर से निकल लेंगे अपन। लेट्स गो, दिस इज़ हाउ द व्यू इज़, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन।
चलो चलते हैं अपने फ्लाइट के साइड में। पहुंच गया वही मैं अपनी सीट पे, और सेम ही लेआउट है, विंडो सीट मिल गई, पहले मैंने दूसरी थी, अभी इन्होंने दूसरी दे दी विंडो करके मुझे। सेम कंट्रोल, बिल्कुल सेम लेआउट जो सीट का है वो। स्पेस वाइज अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है पूरा देखा जाए तो, और लेंथ वाइज भी 6 फुट के आसपास हाइट है मेरी, और मेरे लिए बिल्कुल सही है, 2 इंच और भी जगह बच जाती है बेड बनाने के बाद में, सो आई वुड से कि वेरी गुड। रही बात फ्लाइट की, तो ये वाली जो फ्लाइट है वो लास्ट वाली से ज़्यादा प्रीमियम है, देखने में लेआउट जो है वो बिल्कुल सेम है, बट फ्लाइट जो है वो ज़्यादा प्रीमियम है लग रहा है, नए वाला मॉडल है ये इसका आपका, बाकी सेम बिल्कुल पायलट की जो कॉकपिट है उसकी बिल्कुल पीछे हो गई है, सबसे आगे वाली जो भी होगा उसमें, तो शायद मैं थोड़ी बहुत हेल्प भी कर दूँ पायलट की उड़ाने में, जाके पूछ के देखता हूँ कि मुझे भी चलाने दे रहे हो क्या। तो भाई नथिंग मोर टू टेल यू गाइस, बिल्कुल ये सेम सिंपल सा लेआउट है, बाकी कुछ बताने लायक हुआ तो मैं बता ही दूंगा, अभी तो मैं बैठ के ना और अपनी जो फ्लाइट है उसके नज़ारे लेता हूँ, बाकी ऐसा आ रहा है बाहर का जो व्यू है वो, बारिश जैसा सा मौसम हो रहा है लग रहा है, आई भी है बारिश। कुछ पैक हो गया शुरू, तो आप लोगों से मिलते हैं टोरंटो में, अभी अपनी जो फ्लाइट है उसके आनंद लेते हैं आराम से बैठ के, गेट हट गया अभी हमारा, रेडी टू गो सीट पर। अपना सूप और सूप के साथ में बटर, साथ में चल रही बढ़िया वाली मूवी, तो आगे अभी मेन कोर्स, तो इसमें अपना चिकन हो गया, पोटैटो हो गए, साथ में सैलड है और एप्पल जूस। चलो अपना जल्दी जल्दी खा के ना और सोते हैं, वो भीनी भीनी नींद आ रही है, मज़ा ही आ जाएगा। भाई खाना पीना हो गया, अब अपन चलो सोने, 5-4 घंटे की नींद लेके फिर उठते हैं सुबह के 11 बजे, एक्चुअली करके अपने विंडो दो पर लगा के आई मास्क, सोते हैं थोड़ी देर। भाई आज तो सो के ना मन भर गया, बिल्कुल इतना सो लिया हूँ, 7 घंटे सो लिया हूँ देख लो, मैं 7 घंटे और बचे अपना ड्रोन, तो एक और मील आ गया है भाई अपना, तो अब की बार है इसमें
फ्राइड राइस लग रहे हैं वेज, साथ में फ्रूट सैलेड है। सो फ्राइड राइस हो गए, फ्रूट सैलेड हो गया, छोटा सा ब्रेड का बन हो गया, और ये मेरी स्वीट डिश हो गई कॉफ़ी। यहाँ पे अगर हम देखें तो पूरा बचा हुआ है अभी भी 7 घंटे और 1 मिनट, मतलब 7 घंटे अप्रॉक्सीमेट और बचा हुआ है अभी। तो चलो जी, जैसे मैंने बताया था कि आज है मेरा बर्थडे, तो नॉर्मल तो फैमिली है दोस्तों के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं, बट अब की बार करते हैं हवा में। तो अभी हम हैं टोरंटो से लगभग 8 घंटे दूर और एल्टीट्यूड है 37,000 फुट। तो चलो अपने बर्थडे के सेलिब्रेशन के तौर पर जो मूज केक है वो खा लेता हूँ मैं। लीगली 30 साल उम्र हो गई है भाई, और मेरा एक टारगेट था 30 होने से पहले पहले जो कनाडा टू इंडिया रोड ट्रिप है वो मैं कंप्लीट करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। फाइनली जो ट्रिप है वो कंप्लीट होगी, कार को वहीं पे छोड़ के आ गया, बट अब तो ये एडवेंचर वो है जो लाइफ टाइम चलता रहेगा। बट अभी के लिए चलो थोड़ा सा काम निपटा के फिर दोबारा इसको आगे कंटिन्यू करता है, बट जो टारगेट था मेरा वो कंप्लीट हो गया 30 होने से पहले पहले कनाडा टू इंडिया जो ट्रिप है उसको कंप्लीट करने का। फ्लाई करते करते हो गए हम भाई 10 घंटे, 14 घंटे की फ़्लाइट थी, और अभी हम फाइनली अपना जो कनाडा है उसके ऊपर पहुँच रहे हैं। तो वैंकूवर आइलैंड जो है वो आपको दिख रहा होगा इसमें मैप में, थोड़ा बहुत इधर उधर करके दिखाता हूँ। तो ये अभी वैंकूवर आइलैंड जो है वो, उसके बाद तो आ गया कैलगरी वगैरह, ऊपर से दिखाता हूँ ऐसे करके। और हमें जाना बिल्कुल ही दूसरे कोने में टोरंटो साइड में भी, ऊपर ये रहा। तो अप्रोक्सीमेट आप मान लो यहाँ से कम 4.5 घंटे की जो फ्लाइट है वो और भी बची हुई है अभी। तो एक मूवी और देख लेते हैं तब तक पहुँच जाएंगे, अब तो नींद भी नहीं आ रही, इतना सो लिया अब ना नींद आने की। देखो एक बात तो है, फ्लाइंग जो है वो है तो बोरिंग, नींद भी पूरी हो ली, सब कुछ पूरा हो लिया, 14 घंटे की फ़्लाइट, और जबकि ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस क्लास है, लेट के ना आराम से जाओ, बट बावजूद इसके ना कहीं वो होता है कि एक टाइम के बाद में ना बोर होना शुरू हो जाते हो, तो वो वाली चीज़ तो माननी पड़ेगी। रोड ट्रिप में कम से कम ये रहता है साइड में दिखता रहता है नए नई चीज़ें जो है, नया रोड, नया जो एक्सपीरियंस, तो उसकी वजह से आप इतना बोर नहीं होते, बट फ्लाइंग में मामला थोड़ा सा ऐसा ही है। फाइनली वही थोड़ी सी सुबह की रोशनी देखने को मिली है। अब यहाँ से आगे टोरंटो साइड में जब टाइम की बात करें तो 3-4 घंटे आगे हैं, तो अब यहाँ से और सडनली ही धूप दिखेगी, बिकॉज़ हम जा भी उधर रहे हैं जहाँ पे टाइम आ गया। यहाँ पे बजे हैं सुबह के 6, 3 घंटे की फ़्लाइट बची है, और वहाँ पे हैं दोपहर के अभी के लिए बजे हुए हैं 9:30, तो मतलब 6 बजे हम निकल रहे हैं, 3 घंटे में वहाँ पे 12 बजे मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा एकदम से यूँ दिखेगा कि हाँ भाई धूप ही हो गई सडनली। बाहर का व्यू दिखा देता हूँ, ये लो भाई अर्ली मॉर्निंग का बहुत बढ़िया वाला व्यू। जब इस तरह आप ट्रैवल करते हो ना उधर की साइड में, जितना टाइम बढ़ रहा होता है तो ऐसा लगता है टाइम ट्रैवल ही कर रहे हो। फाइनली सुबह हो गई है, यहाँ पे बज गए हैं 6:30, टोरंटो में बज गए हैं अभी के लिए 9:30, तो वही 3 घंटे और बचे हैं अभी, तो बस 3 मिनट 2:30 बजे हैं देखा जाए तो 2.5 घंटे में पहुँच लेंगे वहाँ पर। हाँ, उसके बाद में 2 घंटे की ड्राइव भी है भाई। आज का सफ़र तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया मानना पड़ेगा, इसमें कोई तो राय नहीं है। तो अभी ब्रेकफास्ट सर्व करेंगे, उसके बाद में फिर अपन बस टीवी देख रहे हैं, अभी तो एक मूवी लगा रखी है। कुछ अलग से ऐसा है नहीं, मैं भगवत गीता दी थी किसी ने मुझे गिफ्ट में, तो वो पढ़ रहा था अभी बैठ के ना, तो उसमें भी एक बढ़िया मज़ा आ गया। तो चलो अब तो बस टाइम काटने वाली बात है, बाकी धूप जो है वो तेज़ होती जा रही है, और भी जैसा मैंने बताया था टाइम ट्रैवल जैसा है अभी यहाँ से उधर पे जाना। तो भाई अभी अपन है 12,498 मीटर पे, तो अगर देखें तो 41,000 फुट पे। तो नॉर्मल ये वाले जो प्लेन है वो 32 से 37 के बीच में उड़ते हैं, हमारे वाला 41 पे क्यों उड़ रहा है मेरे बिल्कुल ही समझ से बाहर है। स्पीड जो है वो आ रही है 628 miles per hour, किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो बन जाता है 1009 किलोमीटर पर आवर। तो लो भी आज जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट हो गया 41,000 फीट पे। अभी अपना प्लेन जा रहा है भाई रॉकी माउंटेंस के ऊपर से, भाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये वाला जो एरिया है अल्बर्टा का। मैं कभी इसमें कैंपिंग करने जाऊंगा अभी तब घुमा के लेके आऊंगा आप लोगों को। ये लो जी फाइनली एक लंबी चौड़ी फ्लाइट के बाद में पहुँच गए टोरंटो, बस अभी 10 मिनट में लैंड होने वाला है।
ये लो जी अपना टोरंटो दिखना शुरू हो गया। हालांकि बादल हो रखे हैं बहुत जोर से, तो बहुत ज़्यादा व्यू आ नहीं रहा बाहर का। 3,000 फीट ऊपर है टोटली। ओए होए होए अब की बार आया भैया, एकदम साफ। जी 3 महीने बल्कि 4 महीने बाद फाइनली स्वागत है वापस टोरंटो की जो आबो हवा है उसमें। हालांकि टोरंटो मुझे इतना पसंद नहीं है, मुझे लंदन ज़्यादा पसंद है, उधर जाके बताऊंगा। चलो जी पहुंच गए अपना टोरंटो एयरपोर्ट पे। बाहर हो रखा है एकदम ठंड वाला मौसम। चलो जल्दी से अपना बैग कलेक्ट करते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं। हाँ, बैग कलेक्शन और इमिग्रेशन का भी दिखा देता हूँ यहाँ पर कैसा होता है। टोरंटो पे बोर्ड भी लग रहा है न्यू स्टूडेंट्स का, तो स्पेसिफिकली बोर्ड लगा रखा है न्यू स्टूडेंट्स इस साइड में। ये देखो स्टडी परमिट्स, तो भी यहाँ पे अपने टोरंटो एयरपोर्ट पे ऐसे ही लगा रखे हैं कियोस्क, तो इनमें आके ना और आप अपना पासपोर्ट या जो पीआर कार्ड है वो स्कैन करके और आप अपना ये निकाल सकते हो, क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन बेसिकली, कि हाँ भी हमारे पास कस्टम्स में डिक्लेयर करने का कुछ है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये ब्लू कलर की ये मिलती है पीछे, इसको देख के ना और वहाँ पे बस पासपोर्ट स्कैन करके सीधे निकल जाओ, जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उनसे मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलो अराइवल्स पे चलते हैं। ये भैया हमारे यहाँ पे ऐसे वो लगे हुए हैं मशीन, इसी में जाके ना उसी में हो जाता है कस्टम्स का। अकेला ही हूँ तो मैं, तो अकेले का ये सब किताब है, ऊपर फ़ोटो खिंच जाती है। तो ये पीआर वालों के लिए और जो कैनेडियन सिटीज़न है उनके लिए है ये, पासपोर्ट स्कैन करो। देख रहे हो हाइट भी अपने आप एडजस्ट हुई है इसकी, तो फोटो कैप्चर सक्सेसफुल। वेयर डू यू लिव? ऑब्वियसली कैनेडा। अराइविंग फ्रॉम अदर कंट्री डायरेक्ट? नो, यस अदर कंट्री डायरेक्ट, लेस देन 7 डेज और मोर। डू यू एक्सीड योर पर्सनल एग्जेम्पशन? नहीं नहीं, लेके तो कुछ आई नहीं रखा। अदर वेपन? नो 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 नो। ये लो जी ऐसी रसीद मिल जाती, फोटो देखो जरा लड़के क्या जबरदस्त आई है। चलो अब ये लेके और आगे बढ़ते हैं उधर की साइड में। ये बोर्ड भाई अभी भी ध्यान है, जब पहली बार कनाडा आए थे तब भी मुझे यही वाला जो बोर्ड है वो ध्यान है, बाहर लगा हुआ था बहुत बड़ा बड़ा। भीड़ नहीं होती इसमें अनलेस अदरवाइज स्टूडेंट्स का बैच ना आ रहा हो, यहाँ पे भीड़ बहुत कम होती है। ये रीज़न है भाई कि हमारे यहाँ से जब लोग वहाँ पे जाते हैं तो उनका मन नहीं लगता बिल्कुल भी। पीछे एक बार एयरपोर्ट की हालत देखो, एकदम सुनसान पड़ा है, ना बंदा ना बंदे की जात वाली बात है। चलो आगे बैग भी आ गए, 9 नंबर पे आने थे, उठाते हैं बैग निकलते हैं अपने। चलो जी पहुँच गए हूँ टोरंटो एंड इट्स फ्रीकिंग कोल्ड। 9 डिग्री टेम्परेचर है बट 9 तो है, चलो हवा के हिसाब से थी, मुझे लगता है बड़ी मुश्किल से 2 फील हो रहा होगा। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली ठंड है बाहर निकलते ही। ये बसेस देख लो भाई हमारी, सुनसान पड़ा रहता हमारे एयरपोर्ट, पॉपुलेशन नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी। चलो चल के एक कार रेंटल लेते हैं, आगे निकलते हैं। यहाँ से मिलेंगे भैया अपन को कार रेंटल, सामने सारी है यहाँ पे नेशनल एंटरप्राइज है। चलो ये सारी रेंटल वाली खड़ी कार पकड़ते हैं यहाँ से, तो उसके बाद निकलते हैं आगे। भाई यहाँ आते हैं जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा होनी शुरू हो गई हैं। ये है भाई हमारा ऑन रूट, तो जैसे अपने जो मेन हाईवेज हैं उनके साथ में रहते हैं ये, तो रेस्ट एरिया है बेसिकली, साथ में अपना कॉफ़ी वगैरह तेल पानी जो भी चाहिए वो। तो सबसे पहली चीज़ कैनेडा आते ही अगर आपने टिम हॉर्टन्स नहीं पिया तो ये हो गया बिल्कुल ही, अभी मान के चलो क्रिमिनल ऑफेंस। हाई, कैन आई गेट वन लार्ज ट्रिपल ट्रिपल and one farmer's breakfast wrap please if it is available? You want a bacon farmer's wrap? Without bacon please. So again cheese? Yes please. Okay, anything else? And 2 plain timbits please. Yeah, that would be all. Yeah, lovely. Thank you so much.
ये आ गया भैया अपना फार्मर्स रैप एग एंड चीज रैप बोल लो, साथ में अपनी बड़े वाली ट्रिपल ट्रिपल पूरा मग्गा भर के ना। अब चलते हैं धीरे धीरे, यहाँ से 108 किलोमीटर है, 1 घंटे 18 मिनट, टाइम नहीं लगता, बिल्कुल सुपर फास्ट वाला हाईवे है भाई यहाँ पे। 401 की हमारे की हालत वैसे ख़राब है कंपेरेटिवली आप देखो, बट है बहुत बढ़िया हाईवे भैया। अपना 401 मेरे जाने के बाद नया बना दिया या फिर जब मैं इधर उधर घूम के आया हूँ टूटे फूटे रोडों पर चला के, तो मुझे ये इतना स्मूथ लग रहा है, मेरे तो बिल्कुल आँखों में आंसू आ गए रोड को देख के। हमने टोरंटो से लेके लंदन तक बिल्कुल सुपर स्मूथ एकदम बढ़िया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हेलो जी, पहुँच गए हैं लंदन ओंटेरियो में भाई, यही है मेरा जहाँ पे दिल लगता है। जब से मैं कनाडा आया हूँ इसी शहर में रहता हूँ, कभी आज तक छोड़ के जाने का मन नहीं हुआ, बहुत ही बेहतरीन छोटा सा शहर। चलो जी फाइनली पहुंच गए अपनी गलियों में। हमारे घर के बाहर दो गाड़ियां किसकी खड़ी हैं, गाड़ी तो हमारे एक भी नहीं है, दो किसकी आ गई। ये आ गए जी अपन घर, दा दा दा। अच्छा कश्यप की और कश्यप की गर्लफ्रेंड की आई थिंक। आया तो मैं ऐसा हूँ जैसे मेरे से गैराज का वो खुलता हो, क्या बोलते हैं, रिमोट से गैराज खुलता हूँ मेरा। चलो जी एक बहुत ही लंबी चौड़ी फ्लाइट और उसके बाद में 2 घंटे की जो ड्राइव है वो करके ना पहुँच गया हूँ मैं घर पे। और सबसे पहले इनको नमस्कार, अभी मेरा जो मनी प्लांट है ना उसकी पत्तियाँ देख रही हूँ नीचे झुक गई, तो मुझे लग रहा मनी जो है वो ज़्यादा खर्च कर दी मैंने। चलो जॉक सपाट इसको ठीक करते हैं। तो भैया आज के लिए इतना ही बस, अब जाके ना थोड़ी देर करते हैं रेस्ट, कल सुबह से ऑफिस जो है वो शुरू हो रहा है, तो थोड़ा सा ये हिसाब किताब भी रख लें कि रेस्ट जो है वो पूरा हो जाए, तो कल सुबह से प्रॉपर अपना जो है काम शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भैया आप लोगों का जो भी सपोर्ट है उसके लिए एंड ऑल दैट। तो अब शुरू करते हैं अपनी जो रिसर्च है वो, कि कार जो है वो कौन सी लेनी है एंड ऑल दैट, तो उसका मैं एक बार आप लोगों को बता ही दूंगा। अभी तो पहले मैं जाके टेस्ट ड्राइव लेनी शुरू करता हूँ। चलो मिलते हैं आप लोगों से कल, और अब से ना मैं डेली व्लॉगिंग करना शुरू करूंगा यहाँ पे, जिससे कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकूँ कार परचेज का जो प्रोसेस है वो, और उसके बाद में आगे कैसे अपन उसको मॉडिफाई करेंगे एंड ऑल दैट। थोड़ा सा वैसे मैं इंक्लाइंड हूँ अपनी जो लैंड रोवर डिफेंडर है उसकी साइड में 130, तो बाकी एक बार करते हैं थोड़ी टेस्ट ड्राइव वगैरह करते हैं उसके बाद पता चलेगा। चलो जी बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, टेक केयर। अभी मेरा एक इंट्रोडक्शन बच गया था, तो ये है भाई मेरा पपी माल्टीज है, यही है मेरी ज़िंदगी का जो साथ में उसको बांध के रखे हुए है वो। ये अभी यहाँ पे डॉग सिटर हैं उनके पास में था, आज ही इसको लेके आया हूँ। ये स्टारलिंक वाला डिब्बा देख रहे हो भाई, यहीं पे पड़ा था और यहीं पे पड़ा है। हाँ जी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो आप, आ जाओ चलो खाना खिलाता हूँ। चलो जी बाय, मिलते हैं आप लोगों से।